नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज की बड़ी खबर, ताहिर हुसैन का भाई शाह आलम गिरफ्तार। दिल्ली दंगाइयों पर लगातार दिल्ली पुलिस शिकंजा कसती जा रही है और लगातार दंगाइयों पर खुलासे होते जा रहे हैं। फर्जी चैनल और फर्जी पत्रकारों को बड़ा झटका, जिन्होंने ताहिर हुसैन को निर्दोष दिखाकर मासूम निर्दोष हिंदुओं को फंसाने का षड्यंत्र रचा था, उनका पर्दाफाश। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने के बाद मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं ताहिर हुसैन। अब जिसके बाद ताहिर हुसैन के भाई भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को दिल्ली हिंसा में चांद बाग में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिल गए हैं। पुलिस की कई टीमें लगातार शाह आलम की तलाश कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने अब शाह आलम को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे ताहिर हुसैन की घटना वाले दिन की पूरी कुंडली खंगाल ली गई है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच लगातार SIT कर रही है, जिसके बाद काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो गई है। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के एक सूत्र के अनुसार घटना वाले दिन ताहिर हुसैन ने सबसे ज्यादा और लगातार जिन लोगों से बातचीत की थी, SIT ने उनकी 15 लोगों की पहचान कर ली है। ये बातचीत मोबाइल के जरिए हुई थी और आपको बता दें कि ताहिर ने इन्हें सबसे उस दिन इतनी ज्यादा देर तक बात क्यों की थी, क्या लंबी बातचीत करी थी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। SIT सूत्रों के मुताबिक चिन्हित किए गए लोगों में ताहिर हुसैन के कई रिश्तेदार भी शामिल है, जिनके बारे में ताहिर ने बस इतना ही कहा है कि घटना वाले दिन वे उन लोगों को हिंसाग्रस्त इलाके में जाने को कह रहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के गले इसकी ये दलील कतई उतर नहीं रही है। आपको बता दें कि उम्मीद है कि जो चिन्हित किए गए संदिग्ध को पुलिस बकायदा कानूनी नोटिस देकर बयान दर्ज कराने के लिए तलब करेगी। आपको बता दें कि SIT को उम्मीद है कि भले ही उसको पहले 2 दिनों में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी ना हुई हो, लेकिन अब आने वाले 2 दिन में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और जानकारियां मिलने की भी उम्मीद है। ताहिर के खिलाफ मुख्य मामला आपको बता दें कि अंकित शर्मा का बेरहमी से जो हत्याकांड था उसमें शामिल है। आपको बता दें कि जैसे कि तारिक हुसैन के भाई और तारिक हुसैन कैसे हिंसा में और कैसे भड़काऊ भाषण दिए थे, उन्होंने पूरी दिल्ली में हिंसा कराई थी, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी इलाके में काफी ज्यादा बड़ी हिंसा हुई थी, जो दिल्ली जलने लगी थी, जिसके बाद अब एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस पूरे जोर पर है कि जितने भी दंगाई हैं उनको हिरासत में ले, उन पर रिमांड लगाए। जो शाह आलम भी सोच रहे थे और तारिक हुसैन भी सोच रहे थे कि वो बच जाएंगे, लेकिन अब उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और जो उन्होंने सोचा था कि वो करने के बाद, कोई भी हिंसा करने के बाद बेचारे बन जाएंगे, तो ये उन पत्रकारों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है जिन्होंने तारिक हुसैन को एक हीरो दिखाया था। इसमें एक बड़ी खबर एक और ये भी है कि अमानतुल्लाह खान का पर्दाफाश हो गया। कैसे अमानतुल्लाह खान मुसलमानों को उकसाते हैं, क्या अमानतुल्लाह खान कैसे मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। अमानतुल्लाह खान ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, विवादित बयान दे दिया, वो लोगों को उकसा रहा है दंगे करने के लिए। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान ने कहा, अगर ताहिर हुसैन पर कार्रवाई हुई या दंगा करने वाले मुसलमान को जेल में डाला तो हिंदुस्तान में और दंगे होंगे। अमानतुल्लाह खान ने अब अपनी जो सोच है, जो उनकी ISI वाली, तालिबान वाली, आतंकवादी वाली सोच है, वो सबके सामने आ गई है और वो डर के मारे, उनको डर है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ताहिर हुसैन, उनको पता चल गया कि ताहिर हुसैन अब सच सच ना उगल दे और उसमें अमानतुल्लाह का नाम भी सामने आ जाएगा और अमानतुल्लाह खान की भी पर्दाफाश हो जाएगा। कैसे वो लोगों को बरगलाते हैं, कैसे वो लोगों को भटकाते हैं, कैसे वो लोगों को उकसाते हैं और कैसे वो दंगे कराए थे जो उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में, और कैसे दिल्ली जली थी, उनके सच सामने आ जाएगा। इसलिए अमानतुल्लाह खान इतना बौखला गया और अमानतुल्लाह बौखलाहट में उन्होंने सच उगल दिया और उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कहा कि अगर किसी मुस्लिम पर जांच होगी या कार्यवाही होगी तो फिर से दंगे होंगे। ये एक वार्निंग है उन सभी लोगों को, वो एक जो हेट्रेड है
उनकी दिख रही है कि वो हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं। उन्होंने साफ यहाँ पक्षपात करते हुए दिखा दिया, धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पर वो खेल रहे हैं। यहाँ वो बोल रहे हैं कि अगर मुसलमानों को जेल में डाला जाता है ताहिर हुसैन पे कार्रवाई और होती है, जैसे कि ताहिर हुसैन का भाई भी आज गिरफ्तार हो गया, अगर ऐसे ही जो लोग दंगाई हैं उन पर अगर कार्रवाई होगी तो कैसे लोग उतर आएंगे और वो कैसे लोगों से अपील कर रहे हैं मुसलमानों के, मुसलमान पक्ष से, कि आप रोड पर आए और दंगे करिए। इससे पहले भी काफी नेता लोगों को भटका चुके हैं और लोगों को बरगलाते हैं और लोगों को उकसाते हैं, जो कट्टरवादी और कट्टरपंथी सोच वाले नेता है। यहां से साफ हो गया है कि कैसे अमानतुल्ला खान ने ये बात सबके सामने जग जाहिर कर दी है कि आप लोग दंगे पे आ जाइए, दंगे पे उतर आइए। अब जो लोग पहले कपिल मिश्रा को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी और केंद्र सरकार को ब्लेम कर रहे थे दिल्ली हिंसा के लिए, और साथ ही साथ वो कैसे उकसा रहे हैं कि सीएए एनआरसी के जो पक्ष में है, जैसे कि हिंदू अगर पक्ष में है तो वो हिंदू पे, अब ये सीएए नागरिकता संशोधन कानून या एनआरसी की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई आम आदमी के पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान, ताहिर हुसैन और काफी नेताओं ने इनको, देशद्रोहियों ने इनको और कुछ फर्जी चैनलों ने इनको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना दिया है। वो हिंदुओं को एक टारगेट ऑडियंस मान रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली हिंसा हुई थी और हिंदुओं को मारा गया, जलाया गया, उसमें काफी लोगों की बेरहमी से उनका मर्डर कर दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, वैसे में ही अमानतुल्ला खान और आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी अमानतुल्ला खान ने एक बयान दिया था और अमानतुल्ला खान ताहिर हुसैन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन SIT की जांच से अब वो नहीं बच पाएंगे और सच सबके सामने आएगा और जो दोषी हैं उनको सजा मिलकर ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर बात करी जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की, जो कि यहाँ एक दूसरी तरफ ढोंग रच रहे हैं ट्विटर पर कि वो अंकित शर्मा को 1 करोड़ देंगे, जो लोग जख्मी हुए हैं उनके साथ हैं वो ऐसे झूठे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, और जैसे कि क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं, नकली आंसू, घड़ियाली आंसू बहाकर दिखा रहे हैं कि उनको कितना ज्यादा शोक हो रहा है और वो कितना दुखी हैं। वहीं उनकी पार्टी के नेता जाकि अंकित शर्मा की मौत में जो खुले आम शामिल थे, ये वीडियो सबके सामने आ रखा है ट्विटर पर और बार बार वायरल भी हो रहा है, कैसे ताहिर हुसैन अपने दंगाइयों के साथ थे, वहीं जो वहां के लोग हैं उन्होंने भी खुलकर सामने आकर ताहिर हुसैन का नाम लिया है कि ताहिर हुसैन अपने दंगाइयों के साथ 200 दंगाई लोगों के घर पे टूट पड़े, लोगों के घरों को जला दिया, लोगों को मौत के घाट उतार दिया और जिंदा लोगों को भी जलाया है, जिसमें सभी चुप है। उसके बाद भी अब एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्य सदस्य और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां रोना रो रहे हैं और दूसरी तरफ वो खुले आम अमानतुल्ला खान जैसे जो भड़काऊ लोग बयान देते हैं उनके साथ है। साथ ही साथ ताहिर हुसैन के भी झूठा ड्रामा करे कि ताहिर हुसैन से उन्होंने दूरी बना ली, लेकिन अब अमानतुल्ला खान जो अरविंद केजरीवाल के काफी नजदीकी है वो उनको खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात साफ हो गई है और ये बात सबके सामने आ गई है कि कैसे ये नेता लोगों को भटका रहे हैं, और सिर्फ उनकी मंशा भी साफ है, उनको लगता है अरविंद केजरीवाल को कि अगर वो सिर्फ पैसे देंगे वो पैसे से हर इंसान को खरीद सकते हैं, वो पैसे से हर इंसान जैसे वो जिंदा जला सकते हैं लोगों को, और उसके बाद कुछ पैसे देने से लोग उनके जो कुकर्म है उनको भूल जाएंगे, वो दिल्ली में दंगा भड़काएंगे फिर से। अमानतुल्ला खान लोगों को भटका रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो दंगे करें अगर मुसलमानों पर कार्रवाई होती है तो। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल मौन व्रत कर रखा है, अरविंद केजरीवाल उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और ट्विटर पर झूठे आंसू बहा रहे हैं कि उन्हें लोगों के दुख से दुख है। एक और बड़ी खबर, ISIS से जुड़े दो संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तार दो संदिग्धों के पास बेहद भड़काऊ साहित्य प्राप्त हो गए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी हिंसा बशीर बेग ISIS की मैगजीन में आर्टिकल लिखा करती थी और अपने पति जहानजेब सामी के साथ मिलकर CAA विरोध के नाम पर एक बड़ी साजिश रच रहे थे जो अब पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जहानजेब सामी और उसकी पत्नी हीना बशीर बेग को गिरफ्तार किया है। दोनों के तार ISIS से जुड़े थे, दोनों कश्मीर के रहने वाले थे। जांच में पता चला है कि दोनों फेसबुक के जरिए संपर्क में आए थे। सामी एक बार दुबई भी जा चुके हैं, अगस्त में जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के बाद ये दोनों पति पत्नी दिल्ली आ गए थे। इन दोनों का काम इंटरनेट से जुड़ा था और इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को NTCAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन में जोड़ना था, NRC के खिलाफ लोगों को भड़काना था।
बता दें कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद इनके पास जो साहित्य बरामद हुए हैं उसमें लिखा है कि CAA एक काला कानून है और जो CAA के पक्ष में है वह हमारा दुश्मन है, यानी कि ये हिंदू विरोधी एक चीज़ है और जो लोग हिंसा करने पे उकसा रहे हैं। वहीं साथ में ये भी लिखा है कि दुनिया में वही रखेगा जो इस्लाम को फॉलो करेगा और वही और इस्लाम ही दुनिया पे राज करेगा। दिल्ली पुलिस ने त्रिलोकपुर में PFI सदस्य को एक और गिरफ्तार कर लिया है। CANRC के खिलाफ वो पोस्टर बांट रहा था। दिल्ली में पिछले महीने हुई हिंसा और उपवृद्ध को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्यवाही जारी है। पुलिस के स्पेशल सेल ने कल रात दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से दानिश नाम का शख्स को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शख्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI का सदस्य बताया जा रहा है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दानिश अपने इलाके में CAA और NRC के विरोध में पोस्टर बांट रहा है और प्रोपेगेंडा फैला रहा है और दिल्ली में दंगे भड़काने की और कोशिश की जा रही है। बता दें कि दिल्ली में पिछले महीने हुए दंगों में 50 से अधिक जानें चली गई हैं और आपको बता दें इस पूरी हिंसा को भड़काने वाले तत्वों की भूमिका सामने आ रही है धीरे धीरे। जहां तक PFI का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हुई CAA विरोधी हिंसा में PFI सदस्यों के नाम भी सामने आए थे और अब शिकंजा उन लोगों पे कसा जा रहा है जो भी दिल्ली के दंगों में शामिल था। अब सब पर शिकंजा कसा जा रहा है, सबका पर्दाफाश होगा और सब पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। चाहे कोई भी नेता कितना ही रोले और किसी की तवार ISI से जुड़ी हो उस पर भी सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। अब ये एक मेन दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और दिल्ली पुलिस अब किसी को भी नहीं छोड़ेगी। कुछ लोगों को लगता था, फर्जी पत्रकारों को लगता था कि अगर वो मुजरिमों को बचाएंगे और बेगुनाह लोगों को फंसाएंगे और हिंदुओं को बदनाम करेंगे लगातार तो वो मुजरिमों को बचा सकते हैं और वो पैसे के बल पर, धन के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिसके बाद ऐसे लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, लगातार बेनकाब हो रहे हैं, दंगाई और दंगाइयों पे लगातार पूछताछ की जा रही है जिससे बड़े बड़े खुलासे हुए जा रहे हैं, वहां से अब कोई भी बचने वाला नहीं है। जल्द से जल्द कार्यवाही अमानतुल्ला खान और जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं PFI में, जिन सदस्यों का नाम आया उन पर भी जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और क्या बड़े बड़े खुलासे करती है ये हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे और हमने इस पे नजर रखी हुई है। हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।